हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो क्या आप बैंकिंग लाइन में जाना पसंद करते हैं? आप बैंकिंग लाइन में जाना चाहते हैं? आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया, लेकिन आज मैं पूरी डिटेल में बताने वाला हूं उसके बेस्ट इंस्टीट्यूट के बारे में और उस कोर्स को सही तरीके से कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिप्लोमा ऑफ बैंकिंग एंड फिनेंस के बारे में और इसके करियर ऑप्शंस आज मैं आपको बताऊंगा। और जो ये कोर्स कर लेता है डेफिनेटली उसे बैंकिंग लाइन में जॉब मिल ही जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को दोस्तों। दोस्तों जहाँ तक आज देखा जा रहा है कि बैंकिंग लाइन में जॉब्स के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हमारे सामने आ गए हैं। आज केवल बैंकिंग जॉब का मतलब कि भी किसी बैंक में एज ए क्लर्क और एज ए पीओ जॉब करना ही नहीं, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना। आप देख रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी जितनी ज़्यादा डेवलप्स हो रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर फिनेंस कंपनीज या फिर प्राइवेट बैंक्स या फिर आपका ऑडिटिंग कंपनीज, ये सारी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पर बैंकिंग सेक्टर इन्वॉल्व हो चुका है। तो इस बैंकिंग सेक्टर में हम कैसे जॉब पा सकते हैं, आज मैं इस कोर्स के माध्यम से आपको सारी बातें बताने वाला हूं। इस कोर्स को आपको कैसे करना है और सही से आप कैसे करेंगे, एक साल के भीतर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगी, आप किसी भी स्ट्रीम से हों। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि ये कोर्स है क्या। जी हाँ दोस्तों, कोर्स का नाम है डिप्लोमा ऑफ बैंकिंग एंड फिनेंस। इस कोर्स को करने के लिए आपको ग्रेजुएशन, यानी कि अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो आपको ग्रेजुएशन चाहिएगी किसी भी स्ट्रीम से विद इन 50% ओनली। अगर आपके 50% है तो आप इस कोर्स को इजीली कर सकते हैं। इस कोर्स में मैं आज मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब गाइज डिपेंड करता है कि हम जो ये कोर्स करने जा रहे हैं इस कोर्स में हमें ऐसा क्या सीखने को मिलेगा कि हमें बैंकिंग लाइन में जॉब मिल जाए। तो एक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि आपको पता है कि बैंक्स के गवर्नमेंट्स जॉब के एग्ज़ाम्स निकलते हैं जिन्हें ग्रेजुएशन बेस पर आप दे सकते हैं, जैसे SBI का, PNB का या और किसी बैंक का। तो वो सारे एग्ज़ाम्स IBPS के थ्रू निकलते हैं। उन एग्ज़ाम्स को देने के बाद जो भी व्यक्ति उस एग्ज़ाम्स को पास आउट कर लेता है, इंटरव्यू को क्लियर कर लेता है, फिर उसको ट्रेनिंग के लिए बेंगलोर भेजा जाता है। जी हाँ दोस्तों, IBPS उन्हें एक साल का कोर्स कराता है, वो कोर्स यही है डिप्लोमा ऑफ बैंकिंग एंड फिनेंस। अब सोचिए अगर आप इस कोर्स को पहले कर लेते हैं तो आपको कितनी जल्दी जॉब मिल जाएगी। देखिए गाइस, इस कोर्स में आपको बेसिकली जो आपके बैंकिंग टेक्निक स्किल्स होते हैं वो सिखाए जाते हैं, आपका जो अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं बैंकिंग में वो आपके लिए कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। साथ ही इसमें आपको फिनेंशियल जो मार्केट कंडीशंस होती हैं वर्तमान की, उनके बारे में पढ़ाया जाता है, ई बैंकिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, ई मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। उसके अलावा आपके जो डेवलपमेंट स्किल्स हैं वो आपके डेवलप होंगे और साथ में आपका इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने का एक बहुत सूटेबल तरीका आपको इसमें सिखाया जाता है। तो इस कोर्स के ड्यूरेशन एक साल होती है। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो एक साल का ये कोर्स होता है। इस कोर्स के लिए आपको पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से ही आपको अटेंडिंग क्लासेस देनी पड़ेंगी जब आपको ये कोर्स करना होगा। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं ऑल ओवर इंडिया में जो ये कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इस कोर्स के बारे में, मैं वीडियो के एंड में सारे के सारे इसके इंस्टीट्यूट बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आप इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हम बैंकिंग लाइन में काम आ सकते हैं और वो हम इसमें स्टडी करते हैं। तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो इसलिए आपको ये सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ाए जाते हैं। तो सब्जेक्ट्स में आते हैं इसमें इकोनॉमिक्स ऑफ बैंकर्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बैंकिंग लॉ, और इनके प्रैक्टिकल्स होते हैं साथ में एक सेमेस्टर के बाद, और फिर सेकंड सेमेस्टर से आपका ई बैंकिंग, बैंकिंग मैनेजमेंट, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स और साथ में गाइस इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं और उसके बाद इनके प्रैक्टिकल्स होते हैं। उसके बाद आप अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से जॉब करते हैं तो आपको प्राइवेट बैंक में आराम से जॉब मिल जाएगी, यानी कि आपको कंपनी ही, इंस्टीट्यूट ही आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड कराएगा। ऐसे इंस्टीट्यूट कौन से हैं जो प्लेसमेंट प्रोवाइड कराते हैं उसको हम एंड में बताते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आज मैं आपके लिए एक चीज़ लेकर आया हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर मैं डाउटनेट ऐप की बात करूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ऊपर एक कैमरे का जो आइकॉन है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो आप मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट से आप मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन को इजीली ऐसे फ़ोटो खींचकर आसानी से उसका आंसर पा सकते हो। आपको बस करना क्या है, उस क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है अपने इस मैथ्स की बुक में, और याद रहे कि हैंड रिटन नहीं होना चाहिए, केवल बुक से ही प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद जब फाइंड आंसर पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका आंसर स्कैन करके सेकंडों में आपके सामने आ जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं वीडियोस आ गई, इसकी वीडियो से आप
कर सकते हैं। बाकी जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कमाल की बात क्या है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर बेहतरीन क्लासेस और बेहतरीन बुक्स के सॉल्यूशंस मौजूद हैं। आप उन पर क्लिक करके आराम से उनके सॉल्यूशन अलग अलग राइटर्स के अकॉर्डिंग इजीली आप देख सकते हैं। और भी इसमें काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल, जैसे RD शर्मा की बुक है, मैथ्स की बुक है, और जो वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी, जैसे आप बैंक्स की जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ से मिल जाता है। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, आज ही इस ऐप को डाउनलोड करें स्टडी हुई आसान इस ऐप को यूज़ करने के बाद। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा इस ऐप की सलाह देता हूँ, इट इज़ बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स गाइज। तो बैंकिंग लाइन में जाना किस किस का सपना है मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। और ये कुछ नहीं है बैंकिंग लाइन में कि आप किसी स्ट्रीम से हो, मेरा खुद एक स्टूडेंट साइंस का पढ़ा हुआ पहले अटैम्प्ट में ही आज ग्रामीण बैंक में एज ए PO जॉब कर रहा है और बहुत अच्छी लाइफ वो जी रहा है। गाइज फेयर आपका एग्ज़ाम्स होता है, ऐसे कर सकते हैं। और इस डिप्लोमा के बाद तो आपको गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट बैंक में जॉब हो, दोनों ही बहुत आसान हो जाते हैं। तो मैंने बताया कि इसमें आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उनके एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद कुछ इंस्टीट्यूट आपको ऑटोमेटिकली जॉब प्रोवाइड कराते हैं और कुछ जगह आपको उनके इंटरव्यूज़ क्लियर करने पड़ते हैं। अब ऐसे ही गाइज ICICI बैंक्स जो होता है वो अपने ये कोर्स खुद कराता है। तो अगर आप ये कोर्स आप पहले ही कर लेते हैं तो ICICI में आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट्स मिल सकती हैं। आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर में आज कितनी वैकेंसीज मौजूद हैं, खासकर प्राइवेट बैंक्स में। गवर्नमेंट बैंक इतनी सैलरी नहीं देता जितनी प्राइवेट बैंक्स सैलरी देता है, जितनी अपॉर्चुनिटी। आज मैं आपको बताता हूँ एक बहुत गहरी बात कि SBI की जो हेड ऑफिस बॉम्बे में है उसके जो हेड हैं उनकी सैलरी से कई गुना सैलरी ICICI के हेड जो बॉम्बे में है उनकी है। जी हाँ दोस्तों, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, कई गुना सैलरी है उनकी। 30 से 40 लाख रुपए की मंथली सैलरी है और इनकी केवल 2-2.5 लाख रुपए ही मंथली, 3-4 लाख रुपए ही मंथली सैलरी है जैसा कि मैंने देखा है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि डिप्लोमा ऑफ बैंकिंग की फ़ीस कितनी रहेगी और आप इसे कहाँ से कर सकते हैं। देखिए डिप्लोमा ऑफ बैंकिंग के बारे में मैं बताऊँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो मेरा एक और चैनल है अकाउंटिंग गुरुजी, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं BCom की क्लासेस वहाँ स्टार्ट कर चुका हूँ, BCom फर्स्ट ईयर क्लासेस वहाँ प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, सारे सब्जेक्ट्स धीरे धीरे प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको। तो स्टडी वहाँ से भी आप करेंगे, घर बैठकर ही ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं वहाँ से। तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए अकाउंटिंग गुरुजी चैनल को गाइज। तो ड्यूरेशन की मैंने बात कर दी है, फीस की बात करते हैं तो डिप्लोमा ऑफ बैंकिंग में फीस रहने वाली है लगभग 50,000 से 1 लाख के बीच। ये एक साल का कोर्स होता है, इसे आप इंस्टॉलमेंट में ही पे कर सकते हैं। अच्छे से अच्छा इंस्टीट्यूट 50,000 में आपको ये कोर्स करा देता है, लेकिन कुछ जैसे कि केरला में सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं बैंकिंग के, 33 इंस्टीट्यूट केरला में इस समय हैं, और 4 इंस्टीट्यूट बेंगलोर में हैं, 2 इंस्टीट्यूट दिल्ली में हैं, और 1 आपका रुड़की में है। सारे नाम मैं अभी आपको बता दूंगा, अभी मेरे पास सारी लिस्ट है उसकी मौजूद, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि 50,000 से 1 लाख के बीच में ही आपके चार्जेस लगेंगे और आप इसे एक इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो और इस कोर्स को आप अच्छे से कर सकते हो। अब इस कोर्स को करने के बाद आपको क्या कहते हैं प्राइवेट बैंक में जॉब के लिए बिल्कुल भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आप बैंक में भी जॉब नहीं करना चाहते तो बैंक के जॉब के अलावा मैं आपको बता देता हूँ, जितनी भी ये इंश्योरेंस कंपनीज हैं या फिर म्यूचुअल लाइफ या फिर आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर, जो शेयर मार्केट्स की जॉब होती हैं वो भी आपको इसमें पढ़ाया जाता है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल और बैंकिंग स्टेटस को अप करने के लिए यहाँ पर स्किल्स सिखाए जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब फाइनली बात करते हैं उन इंस्टीट्यूट की, और उससे पहले बात करते हैं आपकी कि कौन कौन सी पोस्ट पर यहाँ पर आपको वैकेंसीज मिल जाती हैं इस कोर्स को करने के बाद। डिप्लोमा बैंकिंग करने के बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन सकते हैं, एसेट्स मैनेजर बन सकते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स बन सकते हैं, और उसके अलावा कैशियर और टेलर की तो जॉब बैंक में मिल ही जाती है इससे आसानी से, और उसके अलावा रिस्क मैनेजर जो बड़े बड़े लोन्स प्रोवाइड कराते हैं, रिस्क मैनेजर उनको कहा जाता है, और इसके अलावा फाइनेंस मैनेजर जो कैश का फाइनेंशियल मैटर सॉल्व करते हैं, इसके अलावा लोन काउंसलर जो लोन को एक पास कराने के लिए उसकी एडवाइस देते हैं अपने क्लाइंट्स को, और मार्केटिंग मैनेजर जो मार्केटिंग के हेड बन सकते हैं आप, आपके अंडर में काफ़ी सारे लोग रहेंगे जो मार्केटिंग का काम संभालेंगे, और उसके अलावा जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं यानी कि जो लोन वगैरह लोग ले लेते हैं उन्हें हम कैसे वापसी ला सकते हैं, रिकवरी मैनेजर की जॉब भी यहाँ पर, और उसके अलावा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कि किसी भी प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में सेल करना है उसके बेस पर आपको यहाँ पर
नॉलेज दी जाती है। तो ये थे सारे प्लेसमेंट्स जॉब जो यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ हैं। तो पहले बात करते हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर कुल मिलाकर दो इंस्टीट्यूट आपके अवेलेबल हैं गाइज़। एक नाम है एफटेक कंप्यूटर एजुकेशन, ये न्यू दिल्ली के अंदर है और कालका जी में ये इंस्टीट्यूट है। दूसरा है आपका इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फिनेंस, ये आपका राजेंद्र प्लेस न्यू दिल्ली के अंदर है और इसे भी आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे इनके कॉन्टैक्ट नंबर सब आपको नेट पर सर्च करते ही अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद गुजरात के अगर कुछ स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं तो गुजरात में अहमदाबाद में एक इंस्टीट्यूट है इनोवेटिव स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट ISBM और ये अहमदाबाद में मौजूद है और काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट इसका देखने को मिला है। राजस्थान में भी एक इंस्टीट्यूट आपका है, अगर राजस्थान का कोई स्टूडेंट देख रहा है तो राजस्थान में ये इंस्टीट्यूट कहलाता है फिनप्लान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और ये गाइस आपका उदयपुर के अंदर है। और अब बात करते हैं अपने इस उत्तराखंड यूपी के स्टूडेंट्स की, वो रुड़की के अंदर एक इंस्टीट्यूट है ग्रीनवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ GIMS के नाम से और ये आपको रुड़की के अंदर देहरादून रोड पर मिल जाएगा आराम से क्रॉसिंग के पास। और ये इंस्टीट्यूट भी ऑनलाइन इनका सारा डाटा मौजूद है। इधर के एरिए में इन्होंने काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट्स दी हैं और इसे करने के बाद आपको खुद भी जॉब आसानी से मिल ही जाती है। और इसके अलावा बात करूं मैं कर्नाटक की तो बेंगलोर के अंदर तो इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट कर ही जाते हैं जो टॉप फोर हैं, जिनमें अवगम बिजनेस स्कूल कहलाता है जो बेंगलोर के अंदर है। उसके अलावा सेंट जोजफ इवनिंग कॉलेज और सेंट जोजफ कम्युनिटी कॉलेज, ये दोनों ही कुल मिलाकर बेंगलोर के अंदर मौजूद हैं। आप इन्हें ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। एडमिशन कैसे लेना है सारा तरीका ये आपको बता देंगे। डायरेक्ट एडमिशन है, कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, आप इजीली वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। और मैं कहता हूं गाइस जो जल्दी जॉब पाना चाहते हैं दे आर अप्लाइड टू गेट अ जॉब इनिशियली, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ग्रेजुएशन ख़त्म करके इस कोर्स को करें और बैंकिंग सेक्टर में जॉब पाएँ। तो कैसी लगी वीडियो आज की मेरी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। कोई बात रह गई हो तो चैनल को कमेंट करके मुझे बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें पहली बार देख रहे हैं तो, और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं मिलता। थैंक यू वेरी मच।